अंजुमन के सभी सुधी जनों को कौशलेंद्र झा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों मित्रों, मुझे पता है आप सभी को अंजुमन का इंतजार रहता है। एक समारोह के मौके पर पिछले दिनों अंजुमन को लेकर जिस तरह का आपसे स्नेह मिला वह अभिभूत करने वाला है। स्नेह की इसी उदात्त अवस्था और इससे प्राप्त उत्कृष्ट परिणाम को एक कहानी के माध्यम से लेकर आया हूं। इसमें कथा भी है और कथानक। अंदाज की रोचकता पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। केकेएन को सब्सक्राइब करेंगे तो यहां आपको और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। बात प्राचीन काल की है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने की आपाधापी में सिपाही पीछे छूट गए और राजा घने जंगलों में कहीं फंस गया। रात होने को था, जंगल में अंधेरा घना होने लगा था। राजा को भूख लगी थी, प्यास से गला सूख रहा था। ऊपर से थकावट की वजह से राजा बहुत परेशान होने लगा। ठीक उसी समय जंगल में चहलकदमी करते हुए तीन किशोर पर राजा की नजर पड़ी। तीनों गहरे दोस्त थे। राजा ने उनमें से एक को पुकारा, तीनों दौड़े चले आए। राजा ने उन बच्चों से कहा, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? राजा की बात सुनते ही तीनों बच्चे दौड़कर भागे और समीप के जलाशय से जल लाकर राजा की प्यास बुझा दी। बच्चों में अजनबी के प्रति स्नेह और जोश को देखकर राजा बहुत खुश हुए। बच्चों को नहीं मालूम था कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह इस देश का राजा है। बच्चे इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जल ग्रहण करने के बाद राजा ने तीनों बच्चों से एक ही सवाल पूछा। राजा ने पूछा कि तुमको अपने जीवन में एक मौका मिले तो सबसे पहले क्या प्राप्त करना चाहोगे? एक लड़का बोला, मैं जीवन की तंगहालियों से ऊब चुका हूं। रहने को अच्छा घर नहीं है, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है, यहां तक कि मेरे परिवार को दो दिन की रोटी भी नसीब नहीं होता है। लड़का बोला कि ऐसे में यदि मुझे पर्याप्त धन मिल जाए मेरे लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब बारी दूसरे की थी, वह भी गरीब था। बोला, मुझे रहने के लिए एक महल और चलने के लिए एक घोड़ा गाड़ी चाहिए। लड़का बोला, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, इसलिए मेरी यह इच्छा शायद कभी पूरी ना हो। राजा चुपचाप दोनों की बात सुन रहा था। अब बारी तीसरे की थी। तीसरे ने कहा, गरीब तो मैं भी हूं, पर मुझे धन, बंगला या घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए। वह लड़का बोला, मैं चाहता हूं कोई ऐसा आदमी मिले जो ऊंची शिक्षा प्राप्त करने में मेरी मदद कर सके। अगले रोज राजा तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर महल आ गया। पहले वाले बच्चे को राजा ने ढेर सारा दौलत देकर विदा कर दिया। दूसरे वाले को महल और घोड़ा गाड़ी दे दिया। तीसरे बच्चे के लिए राजा ने उत्तम कोटि के शिक्षा की व्यवस्था कर दी। कुछ समय बाद तीसरा लड़का उच्च कोटि का विद्वान बनकर राजा के सामने खड़ा था। वह मेहनती भी था और ईमानदार भी। राजा ने उस लड़के को अपने राज्य का मंत्री बना दिया। मंत्री बनते ही उस लड़के ने राजकाज संभाल लिया और दूनी मेहनत से काम करने लगा। परसों बाद एक रोज राजा ने उस लड़के को अपने साथ खाने पर बुलाया। राजा ने कहा, तुम अपने बाकी के दोनों दोस्त को भी साथ लेकर आना। राजा ने कहा, तुम तीनों से एक बार फिर एक साथ मिलने की इच्छा हो रही है। अगले रोज तीनों मित्र राजा के सामने उपस्थित हो गए। तीनों को एक साथ देखकर राजा भी बहुत खुश हुआ। राजा ने एक बार फिर तीनों से एक ही सवाल पूछा। राजा ने पूछा कि तुम तीनों अपने अपने बारे में बताओ। पहला लड़का जिसने राजा से धन लिया था बोला, महाराज मैं बहुत परेशान हूं। लड़का बोला, आपसे धन पाकर मैं आलसी हो गया, काम धंधा छोड़ दी और बैठकर खाने लगा। अब धन खत्म हो चुका है और मेरे पास काम भी नहीं है। लड़का बोला, महाराज मैं फिर से पहले की तरह गरीब हो चुका हूं। अब बारी दूसरे लड़के की थी। दूसरे ने कहा, महाराज मैं आपके दिए महल में मजे से रह रहा था,
रोज शाम में घोड़ा गाड़ी की सवारी भी करता था। जंगल में मेरा जीवन बहुत ही आनंद से बीत रहा था। लड़का बोला, कुछ साल पहले जंगल में भयानक आग लग गई, मेरा महल और घोड़ा सब जलकर राख हो गया। लड़का बोला, महाराज मैं भी फिर से गरीब हो चुका हूं। अब बारी तीसरे मित्र की थी, जो राजा का मंत्री भी था। राजा से इशारा मिलते ही तीसरा बोला, महाराज मैंने आपसे धन, महल और घोड़ा गाड़ी नहीं मांगा था, मैंने तो सिर्फ ज्ञान मांगा। ज्ञान की प्राप्ति होते ही आज मेरे पास धन है, महल है और घोड़ा गाड़ी भी है। आप इस कहानी से क्या समझे? आपको लगता होगा कि इस कहानी में ज्ञान की श्रेष्ठता बताई गई है। कुछ हद तक यह बात सही भी है, पर पूरी तरह से सही नहीं। सच यह है कि मुफ्त में मिलने वाला लाभ हमको आकर्मण्य बना देता है। आज के चुनावी राजनीति को आप इससे जोड़कर देख सकते हैं। दूसरा ये कि ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी चीज लंबे समय तक आपका साथ नहीं देता है। मुफ्तखोरी की आदत पाले लोग अक्सर कुंठित हो जाते हैं, और अपने कुंठित सोच की वजह से ऐसे लोग अपनी समस्याओं के लिए अक्सर सरकार, सिस्टम या किसी वर्ग समूह को जिम्मेदार मानकर बेवजह उनसे दुश्मनी मोल लेते हैं। ऐसे लोग अपनी अवस्था से ऊपर उठने की कोशिश छोड़ देते हैं और दूसरों को उसकी अवस्था से नीचे ढकेलने में अपना पूरा एनर्जी नष्ट कर लेते हैं। अपने जीवन का आनंद इसी काम को करते हुए खो देते हैं। बहरहाल आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगले रविवार शाम 5 बजे अंजुमन के एक नए एपिसोड के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।